कोरोना काल में विधायक महेश परमार लगातार जरूरतमंद मरीजों के मानव सेवा में लगे हुए हैं। उनके द्वारा विगत दिनों दो बार कुल 22 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन सिविल हॉस्पिटल तराना में भेंट किए गए। वहीं गुरुवार को फिर से विधायक महेश परमार द्वारा 100 ऑक्सीजन सिलेंडर सिविल हॉस्पिटल तराना में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अजीत सिंह ठाकुर, पवन बारौर, शेख यासीन, एसटीएम एकता जायसवाल, तहसीलदार डीके वर्मा, थाना प्रभारी संजय मंडलोई की मुख्य उपस्थिति में बीएमओ डॉक्टर राकेश सिंह जाटव को भेंट किए गए। ये ऑक्सीजन सिलेंडर जरूरतमंदों मरीजों को राहत का काम करेंगे। इस दौरान विधायक महेश परमार ने कहा कि मैं मेरी तराना विधानसभा के किसी भी परिवारजन को तड़पता नहीं देख सकता। इनकी हर एक समस्या मेरी और मेरे परिवार की समस्या है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए प्रशासन से कोरोना काल में मेरे द्वारा तराना दीना कॉन्वेंट स्कूल को कोविड सेंटर बनाया गया, जहां पर सबसे पहले 5 कंसंट्रेटर मशीन, उसके बाद 17 मशीन और गुरुवार को फिर से 100 ऑक्सीजन के बाटले तराना सिविल हॉस्पिटल को भेंट किए गए। वहीं विधायक परमार ने सभी तराना वासियों से ये भी कहा कि मेरी विधानसभा के समस्त नागरिकगण निश्चिंत रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। निश्चित रूप से हमारा दायित्व तो बनता है, जिस तरह से महामारी फैल रही है, पिछली बार हमने जो ऑक्सीजन मशीन दी थी, अभी लगभग 100 सिलेंडर भरे हुए हमें लाके हमने अपने सिविल हॉस्पिटल तराना को उपलब्ध कराए हैं। और बहुत जल्दी हमारी जो मशीन आने वाली थी, वो भी मशीन आने वाली है। हमारी पहली प्राथमिकता यही है कि कैसे भी जो इस महामारी से पॉजिटिव लोग हैं उनकी जान बचे, ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। तो आज हम 100 सिलेंडर भरे हुए अस्वास्थ्य सिविल अस्पताल तराना को उपलब्ध कराए हैं। और मैं आपके माध्यम से फिर भी एक बार सभी तराना वासियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग संयम रखें, जब तक ये चेन ही टूटे, सरकार के जो निर्देश हैं उनका पालन करें और इस महामारी के बचाव के जो उपाय हैं उनको अपने जीवन में उतारें। क्योंकि जिस तरह से महामारी फैल रही है और जिस तरह से हमारे बहुत सारे परिचित या हमारे परिवारजन हम देख रहे हैं जो आज हमारे बीच में नहीं है, तो आप सब लोगों को इस चीज़ से सीखना चाहिए, समझना चाहिए और आपको धैर्य रखना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से पूरे मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी है, बेड की कमी है, दवाई की कमी है, तो मैं बार बार किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करना चाहता, लेकिन सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है। अगर उज्जैन से तराना विधानसभा से उज्जैन अगर मरीज रेफर होकर जाता है तो 8-8 घंटे 10-10 घंटे अस्पताल के बाहर उन्हें खड़ा रहना पड़ता है और बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। तो इसका एक ही उपाय है कि आप अपने भरोसे, आप अपने आप को सुरक्षित रखना है, तो आप सब लोग अपना ध्यान रखें, तो इस महामारी से कैसे भी बचें, मेरा सभी साथियों से प्रार्थना है। और मेरे विधानसभा क्षेत्र तराना में हम सब लोग प्रयास करेंगे कि किसी प्रकार की ऑक्सीजन की या जो कमियाँ हैं वो हम दूर करें, हमारा प्रथम प्रयास यही है। और जितने भी समाज सेवी बंधु हैं हमारे यहाँ के, जो नागरिक जागरूक नागरिक बंधु नागरिक बंधु हैं, जो समाज सेवी लोग हैं और अन्य जो हमारे परिवारजन हैं, आप सब लोगों को भी सहयोग करना चाहिए, आगे आना चाहिए कि ये महामारी है। इस समय इस महामारी में अगर हम सब लोग एकजुट होकर लड़ेंगे तो निश्चित रूप से जीतेंगे। इस समय हमें किसी प्रकार की किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना है, इस महामारी से लड़ना यही हमारा प्रयास है। धन्यवाद। उज्जैन से अर्पित बड़ाना की रिपोर्ट।